भारत और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप का यह मुकाबला शुरू होने से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका पहले से ही लगा हुआ था। हार्दिक पंड्या इंजरी के चलते बाहर हो गए हैं और अब वह इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले में भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन ऐसे में टीम इंडिया के लिए शामिल होने के लिए कैसे खिलाड़ी ने दस्तक दे दी है जिसके नाम से आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बताते हैं कौन है वह खिलाड़ी। लेकिन अगर आप भी भारत के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट में काफी ज्यादा रोमांचक मुकाबले होते रहे हैं और अब यह एक और मुकाबला हम सभी के सामने कुछ ही घंटे में शुरू हो जाएगा। टीम की बात करें तो भारत ने शुरुआती 5 मुकाबले जीतकर सभी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है, तो इंग्लैंड की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। 5 मुकाबले में से एक मुकाबले में ही टीम के हाथों जीत लगी है, अन्यथा सभी मुकाबले में टीम को बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी। लेकिन भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय यह है कि टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे और अब इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में भी टीम इंडिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, जिसको लेकर प्लेइंग 11 पर काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपको बता दे कि सोशल मीडिया पर यह मांग उठ रही थी कि हार्दिक पांड्या की जगह ऋषभ पंत अगर फिट हो चुके हैं तो उन्हें टीम में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके जैसे बल्लेबाज की टीम इंडिया को जरूरत है। बता दे कि पिछले कुछ समय में ऋषभ पंत जिम करते हुए भी नजर आए हैं और उन्हें कई बार एयरपोर्ट पर सपोर्ट भी किया गया, जिसके बाद बीसीसीआई का रुझान ऋषभ पंत की तरफ जा तो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वह फिट है जब भी टीम इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं। बीसीसीआई ने इस पर विचार किया है। अब ऋषभ पंत से बात की जाएगी कि कितने समय में वह रिकवरी करने के बाद टीम इंडिया में शामिल होंगे और हो सकता है कुछ दिनों के बाद ऋषभ पंत भारतीय टीम में फिर एक बार खेलते हुए नजर आए। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत को टीम इंडिया में शामिल करना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।